को 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने जा रही है और यह बेरोजगारी भत्ता 1 फरवरी से ही लागू हो गया है, लेकिन यह भत्ता 1 मार्च से लोगों को मिलेगा। बेरोजगारी भत्ते से किन लोगों को फायदा होगा, इसके लिए पात्रता क्या कुछ होगी और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन कहां हुआ है, ये सारी डिटेल्स देखिए आप हमारी इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले बेरोजगारी भत्ते का ऐलान गहलोत सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, तो वहीं इस ऐलान के बाद बेरोजगार पढ़े लिखे युवक युवतियों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिल रही है। सुकून इस बात का है कि उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा वे खुद ही उठा सकेंगे। गहलोत सरकार ने ऐलान किया है हर महीने युवकों को 3000 और 3500 रुपए युवतियों को मिलेंगे, 600 के बजाय 3500 में देंगे। कल हमारी 1 तारीख है, कल से आप गिनती शुरू कर दीजिए, 1 मार्च से सबको मिलेगा 3500 रुपए भत्ता मिलेगा। राज्य में सबसे ज्यादा 63,043 बेरोजगार जयपुर में रजिस्टर्ड है, यह प्रदेश में कुल बेरोजगारों का 10.22% है। बेरोजगारी भत्ते के ऐलान के साथ ही रजिस्ट्रेशन करवाने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। सरकारी रिकॉर्ड की माने तो रोजगार कार्यालय में 6,16,706 बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं। ये युवाओं के लिए एक बहुत ही रात भरा फैसला है, इससे गरीब तबके के युवा जो गांव से चलकर यहां आते हैं, जिनको बेरोजगारी की एक बहुत लंबी समस्या रहती थी, उससे उनको इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। बहुत राहत है, हमें एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, जिसके पेरेंट्स ज्यादा पैसे कमा नहीं पाते हैं, तो कम से कम उनके पेरेंट्स उनके लिए कुछ कर तो सकते हैं। एक नजर डालते हैं टॉप 5 जिलों में जहां सबसे ज्यादा बेरोजगारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। जयपुर में 63,043 रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, सीकर 54,510 रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, झुंझुनू 52,217 रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, अलवर 51,831 रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स और वहीं भरतपुर जिले में 26,784 रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स की संख्या है। चलिए आपको बताते हैं बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए ये शर्तें होंगी। पात्र स्टूडेंट राजस्थान का निवासी होना चाहिए। बेरोजगार युवक द्वारा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना जरूरी है। बेरोजगार युवक के परिवार की आय 2,00,000 रुपए तक या उससे कम हो। राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 1,00,000 शिक्षित बेरोजगार युवकों को फायदा मिलेगा, जबकि वर्तमान में इस योजना में 70,000 युवाओं को लाभ मिल रहा है। बेरोजगारी भत्ता देने से सरकार पर सालाना 524 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। अक्षत योजना के तहत अभी प्रदेश में बेरोजगार युवकों को 650 रुपए और महिला विशेष योग्यजन बेरोजगार को 750 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।